हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो होली का पर्व है और आप सब कोई पूरा एकदम मूड बना रखे होगे, होली को मस्त तरीके से मनाएंगे सब। तो बिल्कुल आप एकदम मस्त तरीके से होली को एंजॉय करिए एक अच्छे वे में। एक त्यौहार जो होता है उस दिन बड़ी खुशियों का टाइम होता है। आप फैमिली से अपने मुलाकात करते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, एक अच्छा माहौल होता है। क्योंकि मैं कभी भी होली पे मैं इतना ज़्यादा कभी रंग वंग तो खेल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ ना बच्चों के लिए, अब वो चाहे बच्चा 10 साल का हो, चाहे 15 साल को, चाहे 20 साल को, चाहे 25 साल का हो, जब तक एक स्टूडेंट की लाइफ होती है तब तक मैंने देखा है कि होली के पर्व को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं कॉलेज में अपने होली के टाइम पे मैं देखता था कि सब लोग ना एक रैली जैसे निकालते थे हम लोग रंग के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो दोस्त नहीं रह गए उतने सारे, क्योंकि कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी होती ना। तो मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ एक स्टूडेंट कम्युनिटी को। तो स्टूडेंट कम्युनिटी का मतलब या तो कोई कॉलेज में अभी है, सेमेस्टर का टाइम है, या आपकी अभी वो उम्र है कि आप त्योहारों को उस वे में ज़रूर मनाया करिए जिस वे में एक एक इस एज के इस उम्र के बच्चों को मनाना चाहिए। तो मतलब बिल्कुल इंजॉय करते हुए मनाइए। दो तीन दिन अगर आप नहीं भी पढ़ाई करते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आज होली का टाइम है, होली का ये वीक पूरा चल रहा है ना, ये होली का टाइम चल रहा है, अगले दो तीन दिन तक पूरा होली का ही समय रहेगा। तो मैं भी जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख पा रहे हो, तो मैं भी जैसे घर निकल चुका हूँ, मैं अपने होली के दिन मैं अपने गांव में हूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी इसी पर्पस के लिए गया हूँ ना, कि फैमिली को बहुत अच्छा लगता है जब भी एक त्यौहार पे सभी लोग कलेक्टिवली रहते हैं और खुशियों के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो दुख और खुशी हमेशा ना मिल बांट के सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको कभी अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, मज़ा नहीं आता। लाइफ में थोड़ा एन्जॉयमेंट का पार्ट भी होना चाहिए, लेकिन एन्जॉयमेंट का पार्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि एकदम उसको एक गंदे वे में लेके जाया जाए। जैसे मैंने देखा है कई बार मेरे गांव में, मैंने कई बार देखा है इस चीज़ को कि होली के टाइम पे लोग जो इंजन नहीं होता, इंजन जिससे पानी निकलता है, पंप होता है, तो मैंने देखा कई बार उसका डीजल वीजल निकाल के उसका जो मोबिल होता है उसमें काले कलर का आपका होता है तारकोल टाइप का, उसको लोग लेके उसको चेहरे पर लगा देते हैं। मतलब फिर इतनी जलन होती है उसमें, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना होली टाइम पे। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ मत करिएगा जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे। जैसे दीपावली पर पटाखे होते हैं तो पटाखे दगाइए, मैं ये नहीं कहता कि एकदम इग्नोर कर दिए, बट थोड़ा बहुत एक लिमिट में करिए। बच्चों के लिए तो एक इन्जॉयमेंट का कुछ तो साधन होना चाहिए ना। तो बिल्कुल जब तक हमारा देश जिस तरीके से इन पर्व्स की तो वैल्यू है, यही तो कुछ पर्व्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इस टाइम कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी रखिएगा कि ऐसा भी नहीं कि एकदम गैदरिंग कर रहे हो पूरा एकदम खतरनाक तरीके से, पूरा सबसे मिल रहे हो, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक डिस्टेंस भी मेंटेन करिएगा। और मैं आपको सबको सलाह दूंगा, रंगों का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत रंग इस्तेमाल करिए कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सके। कई बार होली मैंने देखा है कि लोग रंग सीधे आँख में फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से आँखें चली गई लोगों की। हाँ, मेरे परिवार में भी एक बार हुआ था ऐसा, हमारे चाचा के लड़के थे तो उनके होली पर रंग उनके आँखों में पूरा भर गया था, तो उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट 4 महीना चला था, आँख की रोशनी जा सकती थी। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा खुशियों का दौर है तो इसको गम में नहीं बदलना चाहिए ना, तो उसी में इस चीज़ को लीजिएगा। और आप लोग स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट में वो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करते करते कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है, फिर वो सोच विचार नहीं पाते, मतलब कि इसका नुकसान भी हो सकता है। तो मैं भी उस लाइफ को देख चुका हूँ, एक स्टूडेंट कम्युनिटी बीच में रह चुका हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी वो कॉलेज टाइम देखा हूँ, सब कुछ देखा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है। इसलिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग होली को एंजॉय मस्त तरीके से करिए, घर वालों से मिलिए, परिवार से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, सबके साथ खुशियां सेलिब्रेट करिए, मिठाइयां खाइए, गुजिया खाइए, सब खाइए, रंग भी खेलिए, लेकिन रंग के खेलने की भी लिमिट एक रखिएगा, बहुत एक्सेसिव भी ना हो। और कोविड को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो सेकेंड वेव बेटा है वो काफ़ी खतरनाक है। लॉकडाउन सिचुएशन अभी चल रही कई जगहों पे, उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहा। अभी रिसेंटली मेरे परिवार में ही एक को कोविड हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट हुआ है,
तो मुझे थोड़ा सा अजीब से लगा कि यार फिर से वही दौर आ गया है। अभी किसी भी तरीके से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था और अगेन फिर से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिकॉशन रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ही चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती कंपेयर टू आवर सेल्फ। ओके, तो इसी के साथ में सेशन को ऑन बिहाफ ऑफ होल जेनिक फैमिली, मैं आप सबको इस खुशी के मौके पे आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि इस होली के पर्व पे मैंने भी कुछ सोचा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे जितना अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, हम लोग का भी एक धर्म बनता है कि हम उसके लिए सपोर्ट कर सकें। तो जितने हमारे लाइव स्ट्रीम कोर्सेज हैं आपके गेट 2022 के लिए, GDPD कोर्सेज हैं, प्राइम कोर्सेज आपके हैं, प्रहार बैच का आपका कोर्सेज है, SSC JEE के लिए, सब पे एक अच्छे लेवल पर डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये एक त्यौहार और अकेजन्स ऐसा टाइम होता ना जिस टाइम पे सभी को लगता है कि कुछ न कुछ ये मिलना चाहिए। एक फेस्टिवल के एक खुशियों का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे सबको लगता है ना कि डिस्काउंट मिले तो अच्छा होता है। तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को डिस्काउंट का आपको ऑफर किया हुआ है, तो आप बिल्कुल उस डिस्काउंट को ऑप्ट कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC JEE और गेट एग्जामिनेशन। चाहे आप लाइव स्ट्रीम कोर्सेज में आप आना चाहो, चाहे आप PDGD कोर्सेज में आप जाना चाहो, चाहे आप प्राइम प्रोडक्ट में आप जाना चाहो, सब पे मैंने किसी में आई डोंट थिंक सो 50% से कम डिस्काउंट है, किसी में 70% भी आपका डिस्काउंट, जैसे प्रहार बैच है जो आपका SSC JEE और UPPCL के लिए लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप जेनिथ ग्रेविटी गैलेक्सी के पार्ट आप बन सकते हो लाइव क्लासरूम के गेट 2022-23 के लिए। सिमिलरली आप PDGD कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हो, जिधर भी जो भी हमारी तरफ से है, जो आपके प्रोग्राम्स आपके अवेलेबल हैं, हर कम्युनिटी को देखते हुए किसके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, किसी के लिए रिकॉर्डेड चीज़ें अच्छी होती है, किसी के लिए लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी के लिए इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर ही सफिशियंट आपके हो जाते हैं, तो सबके लिए वो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है जितना हमसे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओके, इस होली के मौके पे आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jenikeducation.com और आप ऐप पे भी जा सकते हो, जेनिक लाइव ऐप, दोनों ही जगहों पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। 29th तक आई गेस आपका ऑफर चलता रहेगा, तो 29th तक आप डेफिनेटली उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। तो मैं इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा। आप सब कोई खुशियों के साथ होली मनाइए, हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। और याद रखिएगा, आपका जो गेट 2022 यूट्यूब पे जो चीज़ें आने वाली हैं, वो जस्ट होली ख़त्म होने के बाद सेकेंड जो फर्स्ट वीक अप्रैल का होगा, उसी में हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आप लोग होली मस्त इंजॉय करिए, हैप्पी होली टू ऑल, और पूरी जेनिक फैमिली की तरफ से आप सबको ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बधाइयाँ, और भगवान आप लोग के ड्रीम को हमेशा फुलफिल करे, और जेनिक अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल वंस अगेन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।